लेकिन मैं इस बात का हामीदार नहीं हूं कि इस तरह का सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन को इसे यदि रखना ही था तो रविदास सम्मेलन कर देते। चमार सब नाम पे तो बैन लगा हुआ है, ये सबको मालूम है। नहीं, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो सिर्फ अंधविश्वास के अलावा क्या है। जबरदस्ती खेतों में खींच करके वो एस्टेज करवाते थे, अब मौका मिला है पैसे के बल पे या बिना पैसे के बल पे, आप उनकी बहन बेटियों को घर में लाओ, जबरदस्ती प्यार करके लाओ या वैसे लाओ, एक ही दो शादियां करो। नींव तो उन्होंने ढंग में कोई रखी नहीं। अब चमार के नाम से ये जो सम्मेलन कर रहे, इनकी मर्जी। अब क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा ये सम्मेलन करने वाले तो एक वो है मोहरे हैं, करने वाले करवाने वाले कोई और हैं। ये सब आप लोग पूछ लो। अभी हमने देखा था बड़े बड़े तिलकधारी भी यहाँ बैठे थे ऊपर से, अभी हम स्टेज पे भी देख के आए हैं, वहाँ भी कुछ लोग हमने देखे बैठे, तो ये प्रोग्राम वगैरह नहीं है। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मैं इस बात का हामीदार नहीं हूँ कि इस तरह का सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन को इसे यदि रखना ही था तो रविदास सम्मेलन कर देते, रैदा सम्मेलन के नाम से सभी लोग आ जाते चाहे इसमें। लेकिन चमार शब्द पर तो आप जो जाटव हैं, बैन लगा हुआ है, देखिए हाँ। चमार सब नाम पे तो बैन लगा हुआ है, ये सबको मालूम है कि चमार नाम आप किसी को कहेंगे तो गाली कहलाती है, और गाली कहलाएगी तो केस रजिस्टर में तो केस हो जाता है इस बात पे। यहाँ भी हो जाता है, सब जगह है। पार्लियामेंट हाउस में बैन किया हुआ है, पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोल सकते। इनको कैसे परमिशन मिल गई? परमिशन का है, कोई ना लेता। हाँ, परमिशन जो परमिशन देने वाले यदि वही कर रहे हैं तो प्रोग्राम फिर क्या करोगे? यदि आपको तो सारा पता है, मेरे से ही क्यों कहलवाना चाहते हो कि ये कौन कर रहा सब मिले? ये सब आपका आपत्ति हो रही है इस प्रोग्राम से? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि जितने नेता बोल रहे हैं वो कोई बात ढंग की नहीं बोल रहे। वो उन लोगों को जो ये प्रोग्राम है, कभी कभी होते हैं इस तरह के प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में कोई आर्थिक कार्यक्रम बोलते हैं। हम लोग को जो हमारे कारोबार रोजगार थे वे सब छूट गए। आज आपने कोई कारोबार अपना संभाला नहीं। इस देश को जितना चमड़े का काम मिला हुआ था, जितना हमारा लोग चमड़े का काम करता था, भले ही वो काम था, आज वो उस समय तो हम कहते बुरा है, लेकिन आज ये जो बड़ी ब्राह्मण सब कर रहे हैं, अभी इनके लिए बुरा नहीं रहा, ये लोग सब कर रहे हैं, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब नया काम कोई पकड़ा नहीं, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग भाग नए बिजनेस जब तक नहीं पकड़ेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ जितने भी आदमी अब बोल रहे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ कोई भी आदमी एक शब्द नहीं बोला कि भाई हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है। बाबा ये भी हमने सुन, मैं तो थोड़ा लेट हो गया था आने में, बाबा साहब का फोटो भी पता लगा, अभी लगाया है, पहले ही लगा के नहीं चल रहे थे। तो ये किस कॉन्स्पिरेसी के तहत था? ये तो सीधी सी बात है, आप लगा लो हाईजैक कर लिया कार्यक्रम। हाईजैक क्या कर लिया? हाईजैक करने वाले वही है, हाईजैक कहाँ करेंगे वो? हम लोग आए, उनके प्रोग्राम में आए हैं, हम लोग हाईजैक आए हैं कि भाई उनकी शोभा बढ़ाने, भाई इनका प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये देख लो जितने ये सब कमल जाटव आ रहा है, ये सारे ये जितने भी आदमी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 80% तो सब जाटव ही है। चमार जाटव अलग अलग है क्या? नहीं, जाटव चमार अलग थे, हमने सब एक कर दिया। हमारे सब रिश्ते सब एक हैं। हमने अपनी खुद बेटी सब चमारों में, ये चमारों को ज्यादातर आप कहते थे जो हमारे भाई थे, हमारे थे, उनको हम लोग चम्मड़ कहते थे पहले। जो चम्मड़ थे वो काम करते हैं जो? नहीं, काम तो सब लोग खेती बाड़ी भी सभी तरह का करते थे, लेकिन एक नाम दे रखा था ये चम्मड़ है, तो चामड़ की बजाय हाँ सब लोग चमार तो को बुलाया। क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? आपकी लड़ाई तो मोहन भागवत लड़ रहे हैं, देखिए। अब वो मोहन भागवत अपनी जैसे, हमें क्या लेना? मोहन भागवत हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? दलितों को मंदिर जाने दो, इन्हें घुड़चढ़ी करने दो। हमें ना मंदिर जाना है, ना हमारे किसी आदमी को मंदिर की तरफ कदम रखना चाहिए, ना बाबा साहब कभी गए थे। जो मंदिरों का आंदोलन था बाबा साहब का, वो ये लोगों को दिखाने का था कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, हम लोग दिखा दिया उनको जाकर कि हमें अलाउ नहीं है, तो हम लोग को नहीं जाना चाहिए। वो तो एक एग्जांपल देने के लिए बाबा साहब का आंदोलन था। हमें मंदिर अपना सकते नहीं, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो सिर्फ अंधविश्वास के अलावा क्या है? अरे चमत्कार मंदिर है। चमत्कार कहाँ होता है? कोई आदमी आज तक पैदा, कोई आदमी पैदा हुआ है जो चमत्कार करके दिखाई? ये सब ढकोसले झूठे आदमी है। कानपुर में करोली बाबा हाइट बढ़ा देता है। अरे करोली बाबा सब फ्रॉड आदमी है, सब ये लोग मूर्ख आदमी है। और इनको करोली बाबा अपनी हाइट बढ़ा लें,
हमारी हार्ट तो जब पढ़ाई क्या पता तुम्हारा डंडा रुक जाओ तो क्या पता डंडा हटा दे बाबा चले जाओ एक बार दरबार में अर्जी लगा दो ऐसा डॉक्टरी तो डॉक्टरी में कोई इलाज निकल आए तो मैं उसको मानता हूँ ये करोलियर चमार जो शब्द है ये तो एक गाली हो जाती है गाली देके बोलते हैं चमार को लेकर इस तरह से पूरे देश में तो मैं तो भाई इसका पहले से विरोध करता हूँ आपने कभी सहन क्या जातिवाद इस तरह का चमार जाति को लेकर सहन तो बहुत कुछ किया है सहन तो किया तो वो आदत बनी हुई थी घटना बताओ घटना बताइए हम गांव में कभी किसी के घर जाते थे छोटे बच्चे थे तब हम लोग 10-15 साल के थे तो हम बाहर गेट पे से ही होके आ जाते थे हम लोग हमारे पिताजी जूती बनाने का काम करते थे पैसे लेने जाते थे किसानों से तो हम लोग गेट पे खड़े होकर के जाते थे अंदर तो घुसने भी नहीं देते घर में और इससे ज्यादा क्या लेकिन उस चीज की हमें आदत पड़ी हुई थी हमें वो हमें छुआछूत महसूस नहीं होता क्योंकि आदत थी अब तो घर में चले जाते हो ना घर में चले जाए तो अब दिलों में छुआछूत आ गई ना आपने साथी दूसरी बरादरी में क्या बताया गया है मैं दूसरे साथी कौन कह रहा बात ये है मेरे गुरु ने ये कहा था जो बात हुई तो उन्होंने कहा था एक शादी अपने यहाँ करो एक अपने दूसरे समाज की लाओ कौन सी दो शादी करे हमारे समाज के आदमी एक अपनी रखो एक दूसरी रखो क्योंकि हमारे कौन सी बिरादरी के हो वो किस ब्राह्मण की होगी तो ये तो आप ही लगा लो राजा आपको उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारी बहन बेटी को जबरदस्ती खेतों में खींच करके वो एस्टेज करवाते थे अब मौका मिला है पैसे के बल पे या बिना पैसे के बल पे आप उनकी बहन बेटियों को घर में लाओ जबरदस्ती प्यार करके लाओ या वैसे लाओ एक ही दो शादियां करो ये दो शादियां इसलिए मैंने भाग के शादी करवाओ नहीं भाग के नहीं खुली शादी हुई है अभी एक डॉक्टर साहब खड़े थे जो यहाँ अभी आपके सामने वो शादी में शामिल थे तो सर से तो दिखाई देता है लेकिन अंदर दिलों में नहीं आएगा सर 2024 में आएगा इस सब का कारण आर्थिक स्थिति है हम लोगों को पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए मैं ये कार्यक्रम रखता रहता हूँ सुधारेंगे शाम को पौवा चाहिए आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी बताइए पौवा पीने वाले यदि 1000 रुपए कमाए पौवा पी ले कोई ऐतराज नहीं लेकिन 200 कमाए 600 की पी लेता हाँ तो फिर वो बुरी बात है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए यूपी में डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी अगर SC ST की जमीन अगर बेचनी होती थी उसको योगी सरकार ने हटा दिया उस पर क्या नहीं हटाया अभी वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं हट जा हाँ हाँ तो हमने हटने दिया हम कोर्ट के लिए हमारी तैयारी खड़ी है हम लोग तैयार हैं हमारे हमने वहाँ टीम अपनी लगा रखी है जैसे इस तरह का कोई प्रस्ताव पास होगा तो हम तुरंत उसको कोर्ट में वो करेंगे और अभी हम लोगों ने तय कर रखा है 2024 की क्या तैयारी सर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी समाज का संगठन बुला रहे हैं और समाज की सबसे सलाह करके फिर तय करेंगे हम कहाँ जाएं ठीक है सर अभी कोई तय नहीं है कि भाई हम कहाँ जाएं अभी हम बिखरे हुए हैं और अभी हम सबकी मीटिंग पूरे देश की बुला करके तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए धन्यवाद।